दिल्ली में पिछले कई दिनों से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि डीटीसी बसों के ड्राइवर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते। वजह ये कि महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने खुद एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें देखा जा सकता है कि बस स्टॉप पर तीन महिलाएं बस का इंतजार कर रही हैं। बस आकर रुकती है, आगे की तरफ से एक शख्स नीचे उतरता है, लेकिन महिलाओं के बस पर चढ़ने से पहले ही बस आगे बढ़ जाती है। महिलाएं बेबस होकर देखती रह जाती हैं। इस वीडियो के साथ केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ ड्राइवर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोक, क्योंकि महिलाओं का सफर फ्री है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बस ड्राइवर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2019 में महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा शुरू की थी। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार की बसों में जनवरी 2019 के अंत तक 100 करोड़ पिंक टिकट जारी किए गए हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार इसे दिल्ली की महिलाओं के सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम भी मानती है।